नमस्कार, स्वागत है आप सभी का केबीसी के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में। आज हम बात करेंगे मध्याह्न भोजन की। सरकार बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन योजना चलाती है। 1 से 8 तक के कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है और उन्हें खिलाया जाता है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि मध्याह्न भोजन योजना में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। कभी बच्चों के खाने में कीड़े मिलते हैं तो कभी प्रिंसिपल द्वारा मध्याह्न भोजन के चावल को बेचने का मामला सामने आता है। लगातार होते इन भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए अब सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है। आज इसी योजना के बारे में हम बात करेंगे केबीसी के महानिर्देशक ललित अग्रवाल से। आपका स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। नमस्कार मोना, सब्जेक्ट आज का अच्छा है। जैसा सर आप जानते हैं मध्याह्न भोजन बच्चों के लिए चलाई जाती है। 1 से 8 तक के बच्चों को भोजन दिया जाता है। लेकिन आपने कई बार देखा होगा कभी खाने में कीड़े निकलते हैं तो कभी चावल चोरी की घटनाएं सामने आती है। केबीसी पर भी बहुत सारी ऐसी खबरें आती है जिसमें लोग चावल बेच देते हैं बच्चों के हक के लिए। लेकिन अब सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है। आखिर इस योजना में क्या होने वाला है, थोड़ा विस्तार से बताइए। मोना, पहले मध्याह्न भोजन योजना है क्या, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में हम दर्शकों को बता देते हैं। मध्याह्न भोजन दरअसल वह योजना है जो कोई भी सरकार इसलिए शुरू करती है कि अधिक से अधिक बच्चे स्कूल आएं। गरीबों के बच्चे जो होते हैं, जो घर में खाना नहीं खा सकते हैं, अपेक्षाकृत कमज़ोर होते हैं, उन्हें स्कूल बुलाएं, बच्चे पढ़ें और फिर साथ में खाना भी खाएं। सब पढ़ें सब बढ़ें, एक योजना आपने सुनी होगी, इसी का एक पार्ट है कि बच्चे स्कूल आएँ ताकि बच्चों को शिक्षा मिले। और आपने सुना होगा ना कि गरीबों के बच्चे छोटे से में ही काम करने लग जाते हैं, उसको खाने की दिक्कत होती है, तो गरीबों के बच्चों को खाने में दिक्कत ना हो इसलिए स्कूल में ये योजना चलाई जा रही है। अब योजना की शुरुआत कब और कैसे हुई, सबसे पहले इस योजना की शुरुआत तमिलनाडु स्टेट में हुई जहाँ वर्तमान मुख्यमंत्री स्टालिन है। 1982 में, आप सोच सकते हैं जब यहाँ के लोग जानते भी नहीं थे क्या है, तो 1982 में तमिलनाडु सरकार ने ये योजना चालू की थी, आज से करीब करीब 42 साल पहले। और वहाँ ये योजना इतनी कारगर है, कि आप यकीन नहीं कर सकते। इतनी बढ़िया चैनलाइज है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। बिहार में, हमारे बिहार में 1 से 8 तक के बच्चों को खाना खिलाया जाता है, वहाँ 1 से 10 क्लास तक के बच्चों को खिलाया जाता है। लेकिन फ़र्क देखिए, अभी आपने खुद ही कहा कि बिहार में अक्सर शिकायत मिलती है चावल में कीड़े, कभी खाना ही नहीं मिला और कभी चावल चोरी बेच दिया हेडमास्टर ने, या फिर रिश्वत के कारण चावल कभी कई दिन तक स्कूल में खाना का चावल का राशन ही नहीं है, इसको खाने का राशन ही नहीं है। एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं, जिलाधिकारी जांच भेजते हैं, भ्रष्टाचार निकलता है, कार्रवाई होती है, इसी में उलझा रहता है। लेकिन तमिलनाडु में ऐसा नहीं है। अब आइए, पहले इसके पहले हम बात करते हैं कि बिहार सरकार क्या बदलने जा रही है। जब लगातार शिकायतें मिल रही थी, और एक शिकायत ये भी थी कि स्कूल के मास्टर प्रिंसिपल दिन भर खाना का जुगाड़ लगाने में लग जाता था जी। रसोईया खाना बना रहा है, उधर रसोईया हड़ताल कर रहा है, उधर कर्मचारी नहीं है, मास्टर साहब प्रिंसिपल साहब को चावल लाना है, सब्जी मंगाना है, तो वो उसी में लगते रहते थे। तो कभी पीयून को भेज दिया, दूसरे टीचर को भेज दिया, तो स्कूल में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, इसकी भी शिकायत लगातार मिल रही थी। इसको समझो, वास्तव में हमारा बिहार सरकार का जो विद्यालय है ना, विद्यालय नहीं रह गया तो भोजनालय बन के रह गया जी। पढ़ाई नहीं था, विद्यालय में पढ़ाई होती विद्या की, खाली भोजनालय था, उसमें भी कीड़े मकोड़े वाला खाना। तो ये तो दरअसल सरकार का उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाना, वो पूरा नहीं हो पा रहा था, पूरा कैसे हो। तो सबसे सफल योजना ये तमिलनाडु राज्य में है जो लास्ट 42 वर्षों से चल रही है। इसको लेके बिहार सरकार ने एक शिक्षा समिति के कमेटी का गठन किया और 1 साल में इस कमेटी ने तमिलनाडु राज्य का 3 बार दौरा किया जी। 3 बार दौरा करने के बाद वहाँ उसने देखा कि आखिर वो योजना कैसे चलती है, वहाँ सफल कैसे है, बिहार में क्या कमी है। इस पर 1 साल के अंदर उस कमेटी ने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की, इस दोनों में डिफरेंसेस क्या है, कहाँ कमी है बिहार में। अब उस डिफरेंसेस के आधार पर सरकार ने इस योजना को पूरी तरह बदलने का मन बना लिया और ऐलान भी कर दिया है कल इसको लेकर जी। अब बिहार में ये योजना पूरी तरह तमिलनाडु के सिस्टम पर चलाई जाएगी जी। अगर बात करें योजना की, तो
पहले भी मध्याह्न भोजन योजना जब सर चल रहा था तो उसमें बहुत सारा खर्चा हुआ लेकिन ये सफल नहीं हो पाया। अगर नए योजना की बात करें तो क्या इसमें ज़्यादा पैसे खर्च होंगे सरकार के, या फिर उन्हीं पैसों में बस सिस्टम बदला जाएगा? तो पहले, लेकिन अब खर्च की तो बात पहले योजना में बदलाव क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। अच्छा। अभी क्या था हमारे स्कूल में कि स्कूल के प्रिंसिपल को जिम्मेदारी दी थी, रसोईया था, कर्मचारी था, और एगो टेंडर जिसको वेंडर को टेंडर मिलता था वो वेंडर सामान सप्लाई करता था और स्कूल वाले खाना बनाते थे। 100 बच्चा है स्कूल में, 400 बच्चे हैं तो 400 का सामान गया, लेकिन 100 बच्चा है तो फिर भी 400 का बिल बन गया। वेंडर को भी आरोप लगता रहा कि 20% कमीशन बगैर वो राशन सप्लाई नहीं करेगा, उसके ऊपर का अधिकारी को भी कमीशन चाहिए तो हेडमास्टर भी क्यों छोड़ेगा, वो भी उसी में कमाई में लग जाता था। तो ये योजना कमाई योजना बन गई थी सब लोगों के लिए। इससे क्या होता था कि स्कूल में खाना ठीक से नहीं बनता था। अब तमिलनाडु में क्या है और वो बिहार में क्या होने जा रहा, दोनों एक ही चीज़ है। तमिलनाडु में कोई भी स्कूल में खाना नहीं बनता है जी, स्कूल को काम ही नहीं, स्कूल के शिक्षकों को पढ़ाना है सिर्फ बच्चों को, ताकि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े। अब चलता कैसे, तो वहाँ सामूहिक किचन चलता है, जैसे आपने हम लोग इधर सामुदायिक किचन बोलते जी, हैं जी। तो सामूहिक किचन चलता है। उसका क्या सिस्टम है कि हर गांव हर पंचायत में किचन बनाया गया है, वहाँ के जो एक सोसाइटी चलाती है उसको, जैसे है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप, जैसे हमारे बिहार में जीविका दीदी ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाता है, समाज के लोग भी इन्वॉल्व होते हैं। उन पंचायत में खाना बनेगा। एक एरिया जो वहाँ तमिलनाडु में है 5 से 8 किलोमीटर के एरिया में जो भी स्कूल होगा उसके लिए खाना वहीं तैयार होगा, एक ही जगह पे सारे स्कूल। हाँ, मतलब 5 से 8 किलोमीटर का जो एरिया उसी के लिए। फिर दूसरे उसके थोड़ा दूर जाइए तो दूसरा किचन मिलेगा हर जगह जगह। आप समझिए पंचायत दर, हालांकि पंचायत का क्राइटेरिया नहीं है लेकिन आप समझिए पंचायत जी। तब सारे लोग उसमें, सब लोगों का नजर है वहाँ किचन पे। तो अब देखिए खाना बनाने का काम वहाँ के वो सामुदायिक किचन का, उसके लिए जो लोग टेंडर, इसके लिए भी टेंडर होता है, तो किचन वहाँ पे जो लोग लेता है तो वो टेंडर ले लिया, किचन का में खाना बनेगा जी। अब खाना से स्कूल पहुँचाना है तो उसके लिए एक अलग टेंडर होता है, एक ट्रांसपोर्ट कैरियर का टेंडर होता है, वो दूसरा टेंडर वाला खाना समय पे लेगा, स्कूल पहुँचाएगा टिफिन में जी, टिफिन में खाना पहुँचा दिया और फिर टिफिन वापस ला के यहाँ सौंपेगा। मतलब बच्चे के हिसाब से टिफिन जाती है या फिर? हाँ, जितने बच्चे वहाँ से खबर आएगी उतना खाना, उसका काम है जो टेंडर जो खाना लाना और पहुंचाने वाला है ना, वो स्कूल का अटेंडेंस पूछ लेता है प्रिंसिपल से, उस हिसाब से खाना लेके जाएगा जी। तो आज स्कूल का मास्टर ज्यादा खाना मंगा के करेगा क्या? वो तो खाना सारा 2-4 मंगा भी लेगा तो खाना खाएगा नहीं, भ्रष्टाचार तो कर नहीं सकता। ज्यादा मंगा लिया, अटेंडेंस कम है, जाँच होगी तो फंसेगा, इसलिए वहाँ वो संभावना नहीं है, तो खाना बनाता है। अब है क्या, देखिए इसमें एक और फायदा है, वो कैरियर टिफिन पहुंचा के जो जगह स्कूल में फिक्स वहाँ लिया के रख देगा, टाइम पे लंच के टाइम पे बच्चे आएंगे खाना खाएंगे, बच्चे को वहाँ हेडमास्टर का मॉनिटरिंग होती है, बच्चे खाना खा के अपना टिफिन खुद साफ करेंगे और उसी जगह पर करीनी से रख देंगे जी। बच्चों को खाना को खाने का तरीका सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं और वो बच्चे अपना किचन अपना टिफिन साफ करके वो खुद रखते हैं, ताकि बच्चे भी अपना काम मैनेज कैसे किया जाए वो भी सिखाया जाता है, साफ सफाई कैसे रखा जाए, खुद का खाना कैसे खाना है, खुद का टिफिन कैसे साफ करके रखना, खुद की जिम्मेदारी कैसे करनी है, बच्चे को भी इसकी ट्रेनिंग प्रॉपर दी जाती है स्कूल के हेडमास्टर द्वारा। एक बार आप ट्रेनिंग दे दी तो हो गया, तो बच्चे भी जिम्मेदारी उठाते हैं, अकेले का काम है, बच्चे का खाना का टाइम ओवर हो गया फिर जाके टिफिन लेके वापस किचन में पहुँचा देंगे, तो उसका ये काम है, चैनल सिस्टम बना हुआ है। आज जैसे किचन में खाना बन रहा है तो किचन में जो खाना बना वो समाज की नज़र में है जी, तो वो भी गड़बड़ी नहीं करता जी, तो वो हेल्दी खाना एकदम रूटीन है उस वहाँ पे। आप यकीन करिए कि वहाँ वेज नॉन वेज दूध जूस फ्रूट्स सब बच्चों को मिलता है, इतना अच्छा खाना मिलता है कि वो घर में नहीं खा सकते। बिहार में जैसे अंडा चोरी हो जाता है बच्चों को मिलता ही नहीं, दूध चोरी हो जाता है, यहाँ तो फ्रूट सही नहीं जूस सही नहीं, और मिलेगा तो चावल खाली पुराना चावल, वहाँ ऐसा नहीं है, हेल्दी खाना, कीड़े लगे हुए चावल दिए जाते तो सामुदायिक किचन चलेगा तो समाज की नजर है वहाँ पे। अब होता क्या है इसमें, अब सामुदायिक किचन में सामान कहाँ से आएगा, इसका भी चैनल बना हुआ वहाँ, जन वितरण प्रणाली के दुकानदार राशन देंगे, राशन में तो चावल गेहूँ मिल गया लेकिन अब सब्जी दूध अंडे ये सब देने के लिए एक टेंडर होता है,
हर साल एक वहाँ का कोई दुकानदार टेंडर भरे, एक दुकानदार को टेंडर दिया था, कोई भी दुकानदार टेंडर भरेगा, जिसको मिला मिला, वो सामान सप्लाई करने का जिम्मा उसका। तब देखिए राशन जन वितरण दुकानदार अपना राशन सामुदायिक किचन में पहुँचा दिया, वो दुकानदार प्रॉपर सामान भेजा था, जो सामुदायिक किचन वाला सामान लेगा तो प्रॉपर देख के लेगा। तो दुकानदार अगर सामान 19-20 आया, खराब आया, तो उसका उस दुकानदार को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। तो इसलिए कोई दुकानदार खराब सामान देता भी नहीं, चूंकि फिर उस दुकानदार की बदनामी भी हो जाती है कि खराब सामान देना। सामान भी अच्छा आएगा, जब सामान अच्छा आएगा तो खाना अच्छा बनेगा, और खाना अच्छा बनेगा तो पहुँचाएगा भी वो अच्छा। तो चैनल है कि वो लोग सामान देंगे, जन वितरण डीलर जिसको हम लोग बोलते हैं, और ये दुकानदार सामान देगा। सामुदायिक किचन वाले जो टेंडर लेते हैं, जो चाहे वो कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, वो खाना बनवाते हैं अपने देख रेख में अच्छा खाना, और फिर वो वाला जो कैरियर है या जो ट्रांसपोर्टर का ठेका लिया है वो पहुँचाता ले जाता है। इससे ना तो स्कूल इन्वॉल्वमेंट होती है, बच्चों की पढ़ाई टाइम एकदम टाइम पर खाना जाता है, जैसे 1:30 बजे टिफिन का टाइम हो तो 1:30 बजे वो खाना पहुँचाएगा सब स्कूलों में। उसके हम उतने लोग होते हैं सब स्कूल में, मान उसके एरिया में 50 स्कूल है तो 50 लोग हो गए, तो अपना रखता है और वो लाना ले आना उसका काम होता है। तो खाना पहुंचा, टाइम पे खाना पहुंचा, गर्म खाना मिला, साफ खाना, हेल्दी खाना मिला, बच्चे खाएंगे, आधे घंटे में ख़त्म हो गए, वो अपना टिफिन उठा के वहीं रहेगा उसका। और ज़्यादातर महिलाएं स्कूल में खाना पहुँचा दिया, बच्चों को सब छोटे बच्चों में को खिलाने में या देखने में भी थोड़ा मॉनिटरिंग भी कर लेती है। तो लेकिन क्राइटेरिया नहीं कि महिलाएं पहुंचाएगी, लेकिन वहाँ तमिलनाडु में ज़्यादातर महिलाएं ही देखी जाती हैं कि वो पहुंचाती है, तो वो खाना आ गया। तो इस तरह इतना अच्छा खाना मिलता है कि वहाँ के लोग बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत सफल योजना है। तो यही चीज़ें बिहार सरकार करने जा रही है। इसका जिम्मा जब स्कूल से था तो उससे वापस ले लिया जा रहा है। सामाजिक कल्याण विभाग होते हैं, समाज कल्याण विभाग, वहाँ तमिलनाडु में भी वही विभाग इस योजना को चलाता है, बिहार में भी अब समाज कल्याण विभाग ही इस योजना को चलाएगा। आपने पूछा पैसा, पैसा का भी बारे में बता दूं कि ये केंद्र सरकार इसके लिए जो पैसा देती है, बिहार को भी उतना ही पैसा मिलता है जितना तमिलनाडु को मिलता है, सब स्टेट को उतना ही पैसा मिलता है। आप सोचिए उतने ही पैसे में तमिलनाडु सरकार इतना अच्छा किचन चला रही है, और वही पैसा यहाँ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। तो इसलिए इतनी शिकायतों के बाद शिक्षा विभाग ने निर्णय लिया कि मध्याह्न योजना का को बदला जाए, और तमिलनाडु में जो सबसे सफल है उसी तर्ज पर इस योजना को उम्मीद रखिए कि अगले महीने से ये शुरू हो जाएगी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि बिहार में जो अधिकारी हैं, जो योजनाओं को चलाते हैं, वो किसी ना किसी एक जरिया ढूंढ लेते हैं भ्रष्टाचार करने का, तो क्या इस नई योजना में भी भ्रष्टाचार की कोई होगी? इसमें संभावना कम है, सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा, कई लोग इन्वॉल्व होंगे, एक चैनल पर कहाँ करेंगे, संभावना इसमें कम। जनरल वितरण दुकानदार को सामान देना है, दुकानदार डीलर को सामान देना है, दुकानदार को सामान देना है, समुदाय के समाज के लोग जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं वो लोग खाना बनाएंगे और कैरियर खाना पहुंचाएंगे। तो आखिर कोई तो सरकारी अधिकारी नहीं है इसमें, कोई नहीं है, खाना तो मिलना है, तो कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करना भी चाहेगा, और खाना नहीं बना तो सीधे अधिकारी पर डालेगा, उसने डीलर से राशन नहीं लेने दिया इसलिए खाना नहीं बना। तो इसमें संभावना काफ़ी कम है, और उम्मीद करते हैं कि योजना बदलेगी और हमारे बिहार के बच्चे को भी तमिलनाडु की तरह अच्छा हेल्दी और पौष्टिक खाना मिलेगा। तो सर इस योजना से आपको क्या लगता है, क्योंकि नई योजना है, इसमें जो जनसंख्या होगी काम करने वालों की अधिक होगी, तो आपको क्या लगता है बिहार सरकार एक तीर से दो निशाना साधना चाहती है कि सिस्टम भी चेंज हो जाए, हेल्दी हो जाए और रोजगार का भी सृजन हो? देखिए कह सकते हैं लेकिन गारंटी के साथ नहीं है, कारण कि पहले भी स्कूलों में तो रसोई काम कर ही रहे थे, लेकिन हाँ जो प्रिंसिपल की भूमिका थी वो तो ख़त्म होगी, तो उसकी जगह कुछ नए लोग आएंगे। तो कुछ ये बात कर सकते हैं कि चूंकि सारा इंडिपेंडेंट अलग यूनिट काम करेगी तो रोजगार बढ़ेंगे, ये कह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए। तो आज वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स में हमने बात किया मध्याह्न भोजन का। अगर आप भी बिहार से हैं और आपके जो बच्चे हैं वो सरकारी स्कूलों में जाते हैं, तो और आप उनके हेल्थ को लेकर फिक्रमंद रहते हैं क्योंकि लगातार खाने में कीड़े निकलते हैं और लापरवाही बढ़ती जाती है, तो अब बिहार सरकार एक नई योजना लेकर आ रही है, तो आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और खुश होकर अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम दर्शकों से अपील करेंगे कि अपने बच्चों को आप स्कूल भेजें, अच्छा खाना और अच्छी पढ़ाई दोनों मिलेगा, तो सब पढ़ें सब बढ़ें का सिद्धांत भी सही चरितार्थ होगा। धन्यवाद। नमस्कार।